आ गई हैं, एग्जाम पर एग्जाम दिए जा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लंबा इंतजार हो जाता है, परीक्षाएं नहीं हो रही, वैकेंसी नहीं निकल रही है। किस तरह से आप इस मुद्दे को देखते हैं, कितना मानते हैं आपकी सरकार गंभीर है, क्योंकि अभी जिस तरह से एक बंपर वैकेंसी निकाली गई है? आम चुनाव के बाद देश में युवाओं में एक उम्मीद थी कि मोदी जी नौकरी देंगे लोगों को, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। राजस्थान में चुनाव होने के से पहले भी भर्तियां चल रही थी और वो भर्तियां प्रक्रियाधीन भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कारण ये रहे कि कोर्ट एक ऐसी आवश्यक शर्त बन गई भर्तियों को पूरा करने के लिए कि उन कोर्टों के माध्यम से भर्तियां अटक रही हैं। ये भर्तियां अटक क्यों रही हैं, इस पे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब आप इसको दिखवाइए कि हर भर्ती कोर्ट जा रही, इसका क्या कारण है। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने संवेदनशीलता इस मामले में दर्शाई है, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं एक जो वार्तालाप है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। युवाओं के जो मैसेज हैं वो अधिकारियों के तक रह जाते हैं, क्योंकि कई भर्तियां नियमों के कारण, नियमों में विसंगतियां इतनी होती हैं। युवाओं को अच्छी तरह पता है, जो एग्जाम देते हैं, जो खुद उस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े होते हैं वो बता सकते हैं कि नियम कैसे बनने चाहिए, और नियमों में जो कमियां हैं वो कमियों को पूरा कराने के लिए बेरोजगारों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। आज राजस्थान में स्थिति है कि 50 न्यायाधीशों की बेंचें हैं राजस्थान में, लेकिन केवल 25 न्यायाधीश ही राजस्थान में हैं, और कोर्टों में इतने मुकदमे हैं कि मुकदमे लंबी चल रहे हैं। दूसरा, कुछ अधिकारी लोग सरकार को गुमराह करते हैं और कहीं ना कहीं उनका खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ता है, लेकिन सरकार को इसमें संवेदनशीलता दर्शानी चाहिए और एक कैलेंडर वाइज भर्तियां जारी करनी चाहिए। दूसरा, जो राजस्थान के युवा हैं वो अन्य राज्यों में एग्जाम देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका हक वहां उनको नहीं मिल पाता, उसी तर्ज पर राजस्थान की सरकार को भी करना चाहिए कि जो भी भर्ती परीक्षा राजस्थान में हो उनके लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम चूज करें कि जो राजस्थान के जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। लेकिन अभी क्या आपको लगता है कि उम्मीद जगी है कि रोजगार अब मिले, क्योंकि जिस तरह से वैकेंसियां खुली, अभी तक तो वैकेंसी ही नहीं आ रही थी, उसका भी ये था कि दर्द था बेरोजगारों को कि जब वैकेंसी निकलेगी नहीं तो वो किस में अप्लाई करे, कैसे कोशिश करे। एक साल सरकार को आए हुए है, लेकिन एक साल में दो बार आचार संहिता लग चुकी है, नगरीय निकायों की और ये आम लोकसभा चुनावों की। कहीं ना कहीं एक राहत भरा काम हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में दिनों में व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार से युवा निवेदन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इसकी सरकार वो माने या नहीं माने वो अलग चीज है, लेकिन एक युवा बेरोजगारों की तरफ से सुझाव है कि दोनों भर्तियों जो सितंबर माह में 3000 पद और आने वाले हैं, दोनों को अगर एक साथ करते हैं, 8000 पदों पर एक साथ भर्ती करते हैं तो कहीं ना कहीं युवा बेरोजगारों को मानसिक शांति भी मिलेगी और आर्थिक मौका भी मिल सकेगा और आर्थिक नुकसान होने से बचेगा, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो बच्चा अपने घर को छोड़कर जयपुर या किसी बड़े शहर में कोचिंग करने आता है, प्रति माह उसके 8-10 हज़ार रुपए मंथ खर्च होते हैं। उम्मीद रोजगार को लेकर ही कि जब इतनी तैयारी की जा रही है, बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उसमें भी पैसा लग रहा है कि उसका सफलता, उसका रिजल्ट मिले जब नौकरी लग जाए, और उस नौकरी तभी लगेगी जब वैकेंसीज निकलेगी, जब वो उसे मौका मिलेगा एग्जाम देने का, सिलेक्ट होने का। रितु सोमानी जी, अभी मुकेश पारिक जो को भी आपने सुना, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि गंभीर केंद्र सरकार भी है वैकेंसीज को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, और पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने भी कोशिश की थी। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं, क्या आप ये मानती हैं कि पहले भी कोशिशें सरकार की तरफ से जा चुकी है, फिर बीजेपी सरकार प्रदेश में थी और अब गहलोत सरकार जिस तरह से वैकेंसीज निकाल रही है, क्या आप मानते हैं कि कोशिशें दोनों तरफ से की गई? श्वेता, कह देने से तो कुछ भी नहीं होता है। मैं यदि मान भी लूं तो जो स्थिति सामने स्पष्ट है, केंद्र सरकार में नौकरियां नहीं है। 2014 में एक नारा था कि हर हाथ को रोजगार, और हर हाथ को रोजगार, जब आज रोजगार की बात होती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकोड़े तले तो भी रोजगार होता है, है ना। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो क्या युवाओं को बहुत ही तकलीफ दे कि क्या उन्होंने इतनी पढ़ाई जो की है वो पकोड़ा तलने के लिए तो नहीं की है, है ना। और दूसरी बात यह कि यदि रोजगार होता, आज प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, रोजगारी और गरीबी इस पे बात करने से बिल्कुल बच रहे हैं, कतरा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे आर्थिक विकास मुद्दे पे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पे जवाब देना बहुत भारी काम है और एक्चुअली इस पे कोई काम नहीं, और स्थितियां इतनी विकराल हो चुकी है। और यदि मुकेश जी ये कहते हैं कि सब जनसंख्या इस विस्फोट और इतनी जनसंख्या, तो सब 2014 के बाद अचानक जनसंख्या नहीं बढ़ी है, इसी पे मुकेश जी कुछ कह रहे हैं। मुकेश जी,
इनको एक जानकारी मैं दे दूं, जो 5000 जो व्याख्या था के पद की जो आज परीक्षा हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार की समय की वैकेंसी है। कांग्रेस की लापरवाही के कारण ये इतनी डिले होती गई और लेट हो गई। और आपकी जानकारी के लिए एक और अपडेट कर दूं तो 5000 ये जो व्याख्या था के पद है इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के समय की निकली हुई वैकेंसी है जो सरकार ने डिले करने के कारण आज हुई है। अभी एक जो सुझाव दिया देवेंद्र जी ने वो बहुत अच्छा है कि जब 3000 ये वैकेंसी की और घोषणा कर रहे हैं जिसका कोई गारंटी नहीं है, ये कह रहे हैं सितंबर या अक्टूबर में लेने की, अगर इनकी वास्तव में मंशा जो 5000 भारतीय जनता पार्टी के समय के निकली हुई वैकेंसी और 3000 अगर इनको वास्तव में और देनी है तो ये 8000 पदों की एक साथ करवाए तो मालूम चलेगा कि ये 3000 और कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो जो कहा वो किया, लेकिन अभी इन्होंने ये कहा था जब सरकार में आए थे और इसके कारण पिछले 5 साल राजस्थान में भाजपा की सरकार रही और 4 साल अकाल पड़ा बिल्कुल वैकेंसियों का, एक साथ इतनी बम्पर वैकेंसियां दे दी कि युवा बेरोजगार फार्म भरते भरते परेशान हुआ किसकी फार्म भरे किसका एग्जाम दे, क्योंकि नहीं नहीं भाई साहब नहीं आप लास्ट लास्ट में वैकेंसी इसलिए दी गई ताकि इनके गवर्नमेंट बच जाए, एक कैलेंडर होना चाहिए वैकेंसियों का कैलेंडर होना चाहिए, नहीं अगर वो आपकी स्कूल व्याख्या कहता कि समय पे निकलती बढ़ती हूँ तो उस समय पूरी हो चुकी होती है। देखिए कोई भी वैकेंसी की बात की जाए, वैकेंसी की बात की जाती है तो हर चीज वक्त में हो, अब 5 साल की सरकार जो नौकरियां पद रिक्त हो रहे हैं सेवानिवृत्ति के बाद उनको खत्म किया जा रहा है, ये बाकायदा